राजधानी रायपुर में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक है माता बंजारी का मंदिर, जो कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। ये मंदिर भक्तों की गहरी आस्था के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में मन की मनौती के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता रानी भक्तों के कष्ट दूर कर उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। यह मंदिर यहाँ पर पुरातन काल से है। कहते हैं कि मंदिर में सुपाड़ी के आकार की माता की प्रतिमा स्थापित है और उस प्रतिमा का आकार हर वर्ष बढ़ रहा है। हर साल शारदीय नवरात्र में बंजारी माता मंदिर के परिसर में 600 से अधिक ज्योति प्रज्वलित होते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर के पुजारियों की माने तो पुरातन काल में माँ बंजारी यहाँ रहने वाले बैगाओं और ग्रामीण के स्वप्न में आई थी। स्वप्न में माँ ने गाँव की बिरहा मिट्टी और झाड़ियों के नीचे अपनी मूर्ति होने की बात बताई थी। इसके बाद स्वप्न के अनुसार ग्रामीण उस जगह गए और वहां की साफ सफाई की तो सुपाड़ी में तिलक लगी माता की प्रतिमा दिखाई पड़ी। इसके बाद इस प्रतिमा की स्थापना की गई और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। तब से ही आस्था का यह मंदिर लोगों में श्रद्धा का भाव प्रकट कर रहा है। तो आज हमने आपको बताया रायपुर के बंजारी माता के मंदिर के बारे में। आशा है कि मंदिर के इतिहास और माता की महिमा जानकर आपको आनंदित महसूस हुआ होगा। इसी तरह और मंदिर के दर्शन करने के लिए हमारे स्वरमय टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय माता दी।